रिसोर्सेज पैदा करने वाली बात तो आपके इल्म में होगा कि अभी रिसेंटली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड के ऊपर जो मीटिंग हुई तो उसमें सीएम साहब ने जो है मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने केस प्रूव किया था कि हॉक्स बे की जितनी हमारी साइली पट्टी है जो कि एमसी के पास है उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर ओपन किया जाए ताकि वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ डेवलप हो सके कि हमें दुबई जाकर साहिल देखने की ज़रूरत ना पड़े। वो जो है इनिशियल टेक्निकल इवेल्युएशन के लिए फंड अप्रूव कर दिया है सीएम साहब ने, आगे उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। असल में होता ये है कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोच रहे होते हैं लेकिन जो मोटरसाइकिलिस्ट अपनी फैमिली को बैठाकर बच्चों को बैठाकर जब घर से निकलता है तो उसको जो है गढ़े का सामना करना पड़ता है, फोन पर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, तीन साल के लिए उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। रिहैबिलिटेशन का प्रोजेक्ट जब आएगा सड़क पर तो हम इंतज़ार करते रहे तीन साल तक, वो सड़क के ऊपर गिरता रहे, एक्सीडेंट होते रहे, स्ट्रीट क्राइम अंधेरे में होते रहे। तो पहली प्रायोरिटी ये थी कि इमीजिएटली जो रिलीफ दे सकता है पब्लिक को उसको स्टार्ट किया जाए, उसमें मुकम्मल गवर्नमेंट की सपोर्ट भी हमें कि जहाँ जहाँ पैच वर्क कर सकते हैं, हम छोटे छोटे गड्ढे सही कर सकते हैं उसे किया जाए, स्ट्रीट लाइट जलाई जाए। अल्मिया हमारा ये है कि शानदार समंदर है हमारे पास जिसका सी फूड दुनिया में माना जाता है। हम पूरे कराची का सीवरेज जो है अरेबियन सी में, दिस इज कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, अपने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड, सारे बड़े बड़े इदारे हैं जो बबागे नहर पूरा कराची का सीवरेज समंदर में डाल रहे हैं, हमारा समंदर पॉल्यूट कर रहे हैं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे मौलवियों का एक इज्तम था कि आप लोग अपनी तकरीरों में और अपने इज्तम में आवाम को साफ सफाई की तलकीन करें इसलिए कि सफाई निस्फ ईमान है। कल रात को 9 बजे की खबर में था, बेशक सर आवाम आवाम है, आवाम को कैसे आप कहेंगे कचरा ना फेंको जब क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का डंपर आके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सड़क पे कचरा फेंकता है और हम उसकी वीडियो बनाकर आप और आप जैसे अफसरान को या आपसे पहले के अफसरान को भेजते हैं जिसको जहां जगह मिलती है इदारे, ठीक है, इंडिविजुअल्स बाद में आते हैं, पहले हैं इदारे। जब इदारे बबा के जहर तमाम खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं तो हम आवाम से क्या एक्सपेक्ट।